आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो हमने ये साफ तौर पर बोला था ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है उसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं मांझी जी, हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे। तो मांझी जी, आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में है, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान, यही चिराग पासवान है, उनका कई जगह इंटरव्यू है, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं बोला। चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए। ये कल जनप्रतिनिधि की हत्या की गई है और बाकायदा जो है अपराध जो है बिहार में चरम सीमा पर है। बेचारे हमारे मुख्यमंत्री जो हैं, अब उनके बस की बात नहीं रह गई है, बिहार उनसे चल नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की घटनाएं उनके हाथों में हैं, गृह मंत्रालय भी उनके हाथों में है और पूरी तरीके से जो है ये फेल हो चुके हैं। थके हुए हैं मुख्यमंत्री, लगातार हम जो है बुलेटिन जारी कर रहे हैं अपराध का, बिहार में कितना अपराध भरा है, बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सब लोग भयभीत हैं, घर से निकलना नहीं चाहते हैं लोग। आजकल तो घर में ही घुस करके हत्या कर दी जा रही है, बम फोड़े जा रहे हैं पटना में, उसका भी वीडियो हमने जो है रिलीज किया। मतलब पटना जैसे शहर में बम जो है वो भी फोड़ा जा रहा है। तो पूरी तरीके से नीतीश कुमार असमर्थ लग रहे हैं और इकबाल उनका पूरी तरीके से प्रशासन से ख़त्म हो चुका है। और आप भी जानते हैं कि पुलिस के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनके हाथों में तो है नहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग। जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वही तबादला करते हैं, और कैसे करते हैं ये पूरा बिहार जो है जानता है। तो इससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उनको कोई मतलब नहीं है, अपने काम में वो जब फेल हो चुके हैं तो उनको बोलने के लिए क्या है? लेकिन ये पूरा देख रहा है, डबल इंजन की सरकार है, सब कुछ इनके पास है और लगातार अपराध इस तरह से बढ़ रहा है। तो हम जा रहे हैं, जो पीड़ित परिवार है उससे हाजीपुर जो है हम लोग मिलने जा रहे हैं और लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। क्या कोई मांग कीजिएगा परिवार के लिए, क्या अल्टीमेटम दीजिएगा कि अपराध? नहीं, अपराध अपराधियों को तो सबसे पहले कि जो अपराध जो है वो पूरी तरीके से अपराधी जो है उनका मनोबल ऊंचा हो रखा है नीतीश जी के राज में, भय नहीं रह गया। तो जब तक अपराधियों को पकड़ा नहीं जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दिलवाई जाएगी। आपको भी पता है, एक उदाहरण हम बार बार देते रहे हैं, रुपेश हत्याकांड जो हुई थी उसमें कौन है आरोप, कौन है उसका हत्यारा, कौन है? अब तक सजा मिली क्या? कुछ नहीं हुआ। पुलिस ना इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर पा रही है, ना ही सजा दिला पा रही है। तो क्या लोगों को उम्मीद और न्याय कहाँ मिलेगा? तो नीतीश कुमार जी के राज में पूरी तरीके से जस्टिस मिलना असंभव हो चुका है। इसको लेकर के तो हम लोगों ने लगातार जो है आवाज़ उठाया। आप ही लोगों ने जब सवाल पूछा था सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था, तो हमने ये साफ तौर पे बोला था ये संविधान जो हमारा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण जो प्रावधान किया है इसमें क्रीमी लेयर की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। ये तो असमानता जो लोगों में रही है, भेदभाव समाज में रहा है, पिछड़ापन जो रहा है, उस आधार पे ये दिया गया कि सबको एक बराबर है हम लोग, उसलिए ये आरक्षण जो है प्रावधान दिया गया। लेकिन मोदी जी के राज में आप देखिएगा, दलितों को बांटा जा रहा है, क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। आज देखिएगा जो रिजर्वेशन जो है उसको ख़त्म किया जा रहा है, एकल पद करके कृषि विभाग में हमने कल भी मुद्दा उठाया, आप लोगों ने भी देखा, 368
पदे हैं उसको एकल पद कर दिया गया, ना ओबीसी रहेगा, ना एससी रहेगा, ना एसटी रहेगा, तो इसका तो हम लोगों ने सबसे पहले विरोध किया। और आप लोग भी जानते हैं जो लेटरल एंट्री की जो बात हुई, इसको मात्र 2 घंटे के अंदर नोटिफिकेशन के बाद हमने इस इश्यू को उठाया था। तो हम लोग तो चाहते हैं कि लोगों को न्याय मिले, संविधान जो है संविधान बचा रहे, आरक्षण लोगों को मिलता रहे जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन सत्ता में जो लोग बैठे हैं मांझी जी, हम मांझी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि क्रीमी लेयर को वो लागू कराने के लिए सड़क पर आएंगे, तो मांझी जी आप क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं आते हैं? आपका बेटा क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? आपका परिवार क्रीमी लेयर में आता है कि नहीं आता है? तो आंदोलन करने से पहले क्या आप त्याग पत्र देंगे? ये मेरा सवाल है। और चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है मांझी जी की प्रतिक्रिया में? दोनों एक ही गठबंधन में हैं, दोनों के राग अलग अलग हो रहे हैं। चिराग पासवान यही चिराग पासवान है, उनका कई जगह इंटरव्यू है, हम वीडियो भी दिखा सकते हैं, ये हमने नहीं बोला। चिराग पासवान जी ने बोला था कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण जो है छोड़ देना चाहिए, ये उनका बयान है। लेकिन सरकार जो है लगातार इस तरह का काम कर रही है, जहां आरक्षण को समाप्त किया जाए वहां ये लोग सत्ता के भागीदार हैं। नीतीश कुमार जो है दम मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। खैर ये तो बेचारे लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ होने वाला नहीं है।